हेलो जैनब, खुदा का वास्ता है, हमें माफ कर दो। क्या कह रहे हैं भाई, क्या हुआ है? मैंने क्या किया है? मैं तो कुछ नहीं किया। मजीद किसी आजमाइश में मत डालो। थक गया है तुम्हारा भाई, गलती हो गई, मुझसे कहो तो हाथ जोड़ लेता हूँ, माफ कर दो मुझे। मुझे गुनाहगार न करें भाई, आप बड़े हैं मुझसे, मैं आपका एहतराम फर्ज है मुझ पर। तो फिर ये दुश्मनी क्यों निकाल रही हो हमसे? अरे भाई, नादान है सुफियान, हो गई उससे, माफ कर दो भाई। कोई दुश्मनी नहीं निकाल रही, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। तुम निकाल नहीं रही हो, लेकिन सब कुछ हो तो तुम्हारी तरफ से रहा है ना जैनब। मैं होने से कैसे रोक सकती हूँ भाई? वो नईमा, नईमा आपा और वहाब का बेटा है। तुम रोक सकती हो जैनब, तुम रोक सकती हो, तुम उसी घर का फर्द हो। वहाब से और नईमा से कहो कि खुदा के वास्ते उस वापस ले ले ये केस। मेरा एक ही बेटा है, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा जैनब। भाई अगर सुफियान बेकसूर है तो उसको कुछ नहीं होगा। आप हौसला रखें, बस अपना ख्याल रखें, स्ट्रेस ना लें, परेशान ना हो, बीमार ना हो, प्लीज। जाना प्लीज, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने भाई की इस हालत को समझोगे। मैं देखती हूँ, खुदा हाफिज। आपको मेरे बेटे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना? सिर्फ अपने भाई की फिक्र है। नहीं आ पाए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कानों से सुना है सब मैंने और अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आपकी सारी वफादारी उन्हीं लोगों के साथ है, तभी आप रोक रही थी ना मुझे। नहीं आपा, आपको लग रहा है कि शायद आपको रोक के मैंने अपने सगे रिश्तेदारों से वफादारी निभाई, ऐसा नहीं है। हकीकत भी यही है, मेरे सुफियान का नाम लेने पे सबसे ज़्यादा तकलीफ आप ही को पहुंची थी ना। मैं सुफियान को बचपन से जानती हूँ और अभी भी मुझे लगता है कि सुफियान ऐसा नहीं कर सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि आप ये कैसे सोच सकती हैं। जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया उसके बाद आपको हो सकती है ऐसी कोई खुशफहमी? मुझे कोई खुशफहमी नहीं है। ठीक है, आप फूफो होने का फर्ज निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाती हूँ। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.